कैसे हो आप सब दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आपसे टिक्सी रिपेयरिंग में। दोस्तों हमारे पास एक ढाई लीटर वाला जा रहा है, उसका सॉकेट लगाना है, पूरी तरह से सॉकेट खराब है। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। दोस्तों इसका सॉकेट पूरी तरह से डैमेज है, मैं आपको सॉकेट लगा कर दिखाऊंगा बहुत आसानी के साथ। दोस्तों इसके अंदर चार रिपेट लगी है SS की, मैं आपको निकाल दिखाऊंगा बहुत आसानी के साथ। ये रिपेट वाला सॉकेट है, इसको निकालेंगे फिर इसको लगा कर दिखाएंगे आपको बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। दोस्तों ये जो रिपीट लगी है चार, हमारे पास एक सीलिंग फैन की रोड है ये कुछ इस तरह की, इसको सपोर्ट के तौर पे नीचे लगाएंगे, इससे रिपीट निकलेगी बहुत आसानी से। दोस्तों हमारे पास ये सुन ली है, इसकी मदद से निकालेंगे इसको बहुत आसानी से। दोस्तों देखो ये सॉकेट हमारा बहुत आसानी से निकल चुका है, आप भी निकाल सकते हैं ऐसी सुमी की वजह से, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। दोस्तों ये हमारे पास महारानी का रिपीट वाला सॉकेट हैवी ड्यूटी कमर्शियल वाला जो होता है, इसमें हम बुश लगाएंगे 089 MSP का बुश लगाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बुश होता है जो जल्दी से नहीं कटने वाला। दोस्तों इसमें हल्का सा रैमर मारेंगे ताकि हमारा ये सॉकेट फट ना जाए, हमारे पास कुछ रैमर है 089 का, इससे इसको साफ करेंगे। दोस्तों हमारा बुश टूट चुका है, अभी हमें इसके अंदर पिन पास करनी है। अभी दोस्तों हमने अपना बुश ठोका, देखो ये कंप्लीट हो गया हमारा सॉकेट, अभी इसको रिपेयर कर दिखाएंगे बहुत आसानी के साथ, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी स्टील मुड़ी है थोड़ी सही करनी चोट मारेगी। दोस्तों अभी हमारे ये चार सुराख है, इसको सॉकेट के ऊपर रखेंगे, इससे हम निशान लगाएंगे किसी मार्कर की मदद से। हमारे पास एक ब्लैक मार्क है, इससे चारों निशान लगाएंगे थोड़ी सी। दोस्तों अभी हमारे पास ड्रिल मशीन है हैंड वाली, इससे ड्रिल मशीन से सुराख करेंगे इसमें। दोस्तों ये हमने चारों सुराख कंप्लीट कर लिए हैं अपने, देखो सॉकेट के अंदर। दोस्तों पूरे YouTube पर आपको ये वाली वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों सॉकेट की लीकेज रोकने के लिए हमें इस पर ग्लूगन लगानी होगी कुछ इस तरीके से, ये लीकेज का रोकने का काम करेगी। दोस्तों ग्लूगन लग के हमारी सील वाटर सील बिल्कुल कंप्लीट बन चुकी है, इस पर स्टील को रख लेंगे अपनी। दोस्तों हमारे पास ये SS की स्टील की रिपीट है, इसका साइज है 3x10, इसे जार के अंदर लगाएंगे रिपीटों को। तो ये हमारे रिपीट चार लग चुकी हैं, आप भी कर सकते हो। हमारे पास ये ठिया है जो हमने खैरात से बनाया हुआ है, ये रिपीट करने के लिए बनवाया है स्पेशल हमने, ऐसे जारों के लिए जो महारानी के डबल जार, बड़े बड़े जार होते हैं उन्हीं के लिए हमने बनवाया हुआ है, आप भी बनवा सकते हैं इस ठिया को देखकर हमारे वीडियो में। दोस्तों हमारे पास ये वार्सल हैं जो रिपीट के ऊपर रखने हैं, इससे और पावर बढ़ जाएगी और मजबूती हो जाएगी इससे। दोस्तों ऐसी सापट की मदद से इसको रिपीट कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। दोस्तों देखो कितनी आसानी से रिपीट हो चुकी है और बहुत मजबूती के साथ रिपीट हुई है। ढाई लीटर वाला महारानी का जार है, हमने बहुत आसान से रिपीट किया है, आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख के। दोस्तों ये हमारे पास महारानी का जार का ब्लेड है, इसकी सापट भी अलग होती है, सापट हमारे पास जो है इसकी थोड़ी गहरा कट होता है सापट के अंदर, ये थोड़ी बड़ी होती है साइज में। दोस्तों गोटी की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों सापट के अंदर वार्सल लगाएंगे, हमारे पास वार्सल है कमर्शियल वाला, थोड़े बड़े साइज में होता है, हैवी कभी कटता नहीं है। थोड़ा सापट पर ऑयल लगाएंगे। दोस्तों एक कमर्शियल वाला वार्सल नीचे भी लगाएंगे, बस एक SS का वार्सल है ये भी लगाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा ढाई लीटर वाला रिपीट वाला जार बिल्कुल ओके हो चुका है, हर तरह से कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल एकदम ओके हो चुका है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।